हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। तो आज हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स। सो हमारा क्वेश्चन है, यूज चेन रूल टू फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स इफ़ वाई इक्वल टू, हमें दिया हुआ है 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1 की स्क्वायर के इक्वल। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे y को u की स्क्वायर के इक्वल, और यहाँ पे हमारा u है 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम करेंगे dy ओवर du। तो हम इसको जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 2u। तो अब हम अपने u का डेरिवेटिव करेंगे इस वाले का, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं du by dx इक्वल टू, हमारे पास ये है, हम इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, पहले सेकंड की स्क्वायर और सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 3x प्लस 1। सो अब इसे सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 1 हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब 3x, तो 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 माइनस 1 का डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 3x माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3, बिकॉज x का डेरिवेटिव होता है 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव होगा 0 ओवर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यह आ जाएगा 3x प्लस 1 इंटू 3 माइनस 3x माइनस 1 इंटू 3 ओवर 3x प्लस 1 होल स्क्वायर। तो अब हमारा ये हो जाएगा, हम इसे इंटू करेंगे, 9x प्लस 3 माइनस 9x माइनस 3, ये ब्रैकेट में होगा 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9x प्लस 3। अब यहाँ पे माइनस है तो इस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन वो चेंज हो जाएंगे, माइनस 9x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर। तो अब हमारा ये आ जाएगा 9x, माइनस का और प्लस का कट हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर के इक्वल। तो हमारा चेन रूल क्या कहता है, dy ओवर dx इक्वल होता है, जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, dy ओवर du इंटू du ओवर dx, जो हमने ये सॉल्व कर लिया है। अब du से du कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, dy ओवर dx, तो ये आएगा 2u इंटू 6 ओवर 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2u इंटू 6 ओवर 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर है, u की वैल्यू क्या थी हमारे पास गिवन थी, ये थी 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे उसे, 2 ब्रैकेट 3x माइनस 1 ओवर 3x प्लस 1 इंटू 6 ओवर 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर को। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब हमारे पास ये 6 को हम 2 से इंटू कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर 12। अब ये है हमारे पास 3x माइनस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 की होल स्क्वायर, इंटू करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 1 की होल क्यूब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।